वेलकम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। सो ये चैप्टर किनेमेटिक्स का आई थिंक ये आखिरी पार्ट होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई जरूरत हुई तो एक और पार्ट आएगा, नहीं तो किनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन का ये आखिरी चैप्टर आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि One driver takes 0.2 second to apply brakes. He is sitting in the car. Speed of car is 54 km per hour. Once he applies brake, the acceleration with which the car stops is 6 meter per second square. You need to tell how much distance traveled by car between the time when he sees the need to apply the brake and car stops. So question basically ये कि कार ऐसे जा रही थी, ये कार समझ लीजिए, इसमें ये ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। जब ड्राइवर को ये लगता है कि अब ब्रेक लगानी चाहिए, उसके 0.2 सेकंड के बाद मान लो यहां पे इक्वल टू 0 था, यहां पे ड्राइवर को लगा ब्रेक लगाना चाहिए, इक्वल टू 0.2 सेकंड उसने ब्रेक लगाई और यहां से कार रुकना शुरू धीरे 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 यहां जाकर के रुक गई। तो आपको ये पूरा डिस्टेंस बताना है डी। इस डिस्टेंस को आप ले लीजिए स्मॉल डी, इस डिस्टेंस को ले लीजिए डी डैश। तो डी इक्वल टू डी डैश प्लस डी, तो ये आपको निकालना है कैपिटल डी, ठीक है। इनिशियल स्पीड कार की 54 किलोमीटर पर आवर थी, तो इनिशियल स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 54 इंटू 12 36 48 दिस इज द स्पीड, ठीक है। नाउ विद दिस स्पीड द कार इज मूविंग, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस नहीं पता है हमको, वी स्क्वायर जीरो है, इक्वल्स टू 45 बाय 3 स्क्वायर प्लस टू ए इज माइनस 6 एंड एस 2 इंटू 6 इंटू एस इक्वल्स टू 45 बाय 3 इंटू 45 बाय 3 S equals to 45 by 3 into 45 by 3 into 1 by 2, 6. Equals to 15 into 15 upon 2 into 2 into 3. 3 से काटते हैं, 3 plus 15 equals to 75.4 क्या था ये आपका मीटर डिस्टेंस आ गया। दिस इज डी, व्हाट वुड बी योर डी डैश, ये भी निकालना है। ये क्या होगा, ये वो टाइम डिस्टेंस है जिसमें कार अपनी स्पीड से चल रही थी, किस स्पीड से चल रही थी, इसी स्पीड से चल रही थी और ड्राइवर को 0.2 सेकंड लगा
ब्रेक अप्लाई करने में, तो डिस्टेंस कितना हुआ ut, इस स्पीड से चल रही थी, एक्सेलरेशन कुछ था नहीं, तो dds इक्वल टू 45 इक्वल्स टू ut 45.53 इनटू 0.2 इक्वल्स टू 3, सो टोटल d इक्वल्स टू 19 अप्रोक्सीमेटली, d dash plus d equals to 3 plus 19 equals to 22 meter. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट ये आ गया कि अपनी कार की जो स्पीड थी वो चल रही थी, लेकिन जब ड्राइवर ने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा जब उसे ब्रेक लगानी है, उसके देखने और ब्रेक अप्लाई होने के बीच में 0.2 सेकंड, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जब आप देखते हो कि ब्रेक लगानी है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो ब्रेक लगानी, फिर आप ब्रेक पुश करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये वो टाइम था 0.2 सेकंड का, तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन समझा देता हूं पहले। एक चोर की कार थी जो ऐसे करके मूव हो रही थी, फिर एक मोड़ आया और ये ऐसे मूव होने लग गई, इस मोड़ पे जब चोर की के पास कार पहुंची तो वो 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव हो रहे थे। ठीक है, ये कार मूव करते करते यहां पे पहुंच गई, जब ये 10 सेकंड के बाद यहां पे पुलिस की कार आई, कार पुलिस, उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आर। जब ये कार 10 सेकंड के बाद मोड़ से आगे निकल गई थी, 10 सेकंड के बाद यहां पे पुलिस की कार आई, तो उस 10 सेकंड के बीच में कुछ गैप था, हमें ये बताना है कि इस पॉइंट से कितनी दूर, देखो चोर की कार 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड चली थी, पुलिस की 90, एक बात तो तय है कि पुलिस की कार चोर की कार को पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस की कार की स्पीड ज्यादा थी, दोनों कौन सा स्पीड से चल रहे हैं, हमें ये बताना है कि कितने टाइम के बाद उसे पकड़ेगी और कितने डिस्टेंस के बाद पुलिस की कार चोर की कार को पकड़ लेगी। ठीक है, तो पहली चीज, पहले सारी चीजें हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पीड चोर की, थीफ की स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 72 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, 10 बाय 3600 डिवाइड करेंगे, 36 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से स्पीड निकालेंगे हम किसकी, पुलिस की, 90 पर आर इक्वल्स टू 90 इंटू 10 बाय 36 कितना आए, 25 मीटर पर सेकेंड। तो चोर की कार जो थीफ की थी वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव रही थी और पुलिस की 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव हो रही थी, तो चोर की कार धीरे धीरे मूव हो रही है, पुलिस की तेज मूव हो रही है, लेकिन दोनों में गैप है, तो थोड़ी देर बाद इसे पकड़ लेगी। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ थीफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस इक्वल्स टू 20 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वेलोसिटी है पुलिस की थीफ के रेस्पेक्ट में, मतलब दोनों का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, दोनों दूर नहीं जा रहे, पास आते जा रहे हैं, क्योंकि चोर धीरे धीरे चल रहा है, पुलिस तेजी से आ रहा है, दैट्स द वेलोसिटी इज नेगेटिव, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। ये तो पहली चीज समझ में आ गई। अब 10 सेकंड के बाद ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये कितना होगा,
at t equals to 10, जब पुलिस की कार कॉर्नर पे है तो कितना डिस्टेंस है? कितना होगा? 10 सेकंड तक थीव की कार किस स्पीड से चलती रही? 20 मीटर पर सेकंड से, तो कितना डिस्टेंस हो गया? s इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, 20 मीटर से चल रही थी, 10 सेकंड तक चली, 200 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करना है, रिलेटिव वेलोसिटी इतनी, रिलेटिव डिस्टेंस इतना, हाउ मच टाइम वुड टेक? Turned upon 5 equals to 40 sec. 40 sec में दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू 40 सेक हो गया। डिस्टेंस कितना आएगा, कितने यहां से कितने डिस्टेंस के बाद उसको पकड़ेगी, ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 25 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम रहेगा? 40 सेक। डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर 40 सेकंड के बाद उसे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? काइनेमेटिक्स के बेसिक इक्वेशंस लगी हैं, सिंपल। रिलेटिव मोशन भी हमने थोड़ा सा समझ लिया कि दोनों के बीच में कितना गैप था, हम इसको उस तरीके से भी समझ सकते हैं। हम उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं रिलेटिव मोशन से ना जाना चाहूं तो हम उसे कैसे समझेंगे। इसी सवाल को दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, सवाल यही रहेगा, तरीका बदल जाएगा, समझते रहना। यहां पर हमने यूज किया दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको हमने निकाला 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कैसे करेंगे? यहां पे कार पुलिस की है, यहां पे कार के दोनों के बीच में 10 सेकंड का डिफरेंस है। ठीक है, टेन सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है तो हमको पता ही है कितना क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसकी कितनी स्पीड थी? 20, ये 25, 20 इंटू 10 इक्वल्स 200 मीटर। ठीक है, अरे मान लेते हैं कि ये इसके बाद x डिस्टेंस के बाद ये इसको पकड़ लेगी, यहां पे किसी डिस्टेंस पे आकर के व्हीकल ऑफ पुलिस, व्हीकल ऑफ थीफ दोनों पास पास आ गया, पकड़ लिया। ठीक है, ये है 10 सेकंड के बाद की बात। ठीक है, ठीक है, तो समझो कि 10 सेकंड के बाद लेट से कि यहां पे कुछ टाइम भी लगेगा, लेट से टी डैश टाइम लगा होगा यहां तक पहुंच के पकड़ने में। ठीक है, टी डैश टाइम में थी यहां से यहां तक पहुंच गया, टी डैश टाइम में पुलिस यहां से यहां तक पहुंचा, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन जीरो है। डिस्टेंस यहां इस केस में थीफ के केस में कितना हुआ, x हो गया, u थीफ के केस में 20 थी और टाइम लगा टी डैश, टी डैश इक्वल्स टू एक्स अपॉन 20, थीफ के केस में। सिमिलरली पुलिस के केस में d इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जीरो हो गया। वेलोसिटी 25 से डिस्टेंस कितना था, एक्स प्लस 200, यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस लगेगा, इक्वल्स टू यू टी 25, टी कितना है, टी डैश ही टाइम है दोनों के पास। ठीक है, तो यहां पे टी डैश इक्वल्स टू
x plus 200 upon 25, ये पुलिस है, इक्वेशन 2 हो गई, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या आता है, x upon 20 equals to x plus 200 upon 25, find x, x कैसे निकलेगा, 25x equals to 20x plus 200 into 20, यहां से आप निकालेंगे x equals to 800 आ जाएगा, x आ चुका है, t dash कितना होगा, यहां से निकाल लीजिए x upon 20 equals to 800 upon 20, फोर्टी सेकेंड और लगेंगे, और ये एक्स अगर 800 है तो कॉर्नर से पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, जो हमने पहले निकाला था 800 प्लस 200 इक्वल्स टू 1000, ठीक है, वैसे निकाला तब भी आ गया, ऐसे निकाला तब भी आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का, यही भी बना देता हूं, कल सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक लड़का है यहां पर बच्चों, एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, इस रिवर में एक बोट है, पतली सी लंबी सी, ठीक है, ये बोट है, लड़के का जो डिस्टेंस है यहां से बोट के सेंटर से ये 5.5 मीटर है, बोट की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, लड़का जिस स्पीड से पत्थर फेंक सकता है वो फिक्स स्पीड है, लड़का एक फिक्स स्पीड से ही पत्थर फेंक सकता है, लड़का इस बोट में पत्थर फेंक रहा है, फिक्स स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ये उसी स्पीड से पत्थर फेंक सकता है, यहां से फेंकता है यहां गिरता है करके, यहां से फेंकता है यहां गिरता जाकर, फिर फेंका यहां गिरा जाए, आपको वो एंगल बताना है जिस एंगल से लड़का अगर पत्थर फेंके तो बोट के अंदर गिरेगा, एंगल बाय विच इफ बॉय थ्रोज स्टोन इट वुड लैंड इन बोट, यह है क्वेश्चन। अजम्पशन, बोट और लड़का एक ही हाइट पे है, सेम हाइट एंड सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन मतलब जैसे बनाया हो वैसे ही दिख रहा है, लड़का खड़ा है, बोट है, हॉरिजॉन्टल है, एक हाइट पे, लड़का फेंकता है पत्थर, तो किस एंगल से वो फेंकेगा, वो एंगल की रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ एंगल, ठीक है, टफ क्वेश्चन है, ट्राई करना, देखो क्या निकलता है। ओके, थैंक यू।